से मिल रही है बड़ी खबर। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पहुंच गई ईडी। संजय सिंह के दिल्ली स्थित सांसद आवास पर दबिश दी गई है, छापा मारा गया है और ईडी की टीम ने सांसद के आवास पर छापामार कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी से सांसद है संजय सिंह। संजय सिंह के करीबी के घर पर भी कार्रवाई चल रही है और लंबे समय से अब तक जो संजय सिंह है उनके द्वारा जिस तरह बयान दिए जा रहे थे, पहले ही उनके द्वारा कयास जताए जा रहे थे, चूंकि जो औपचारिकताएं हैं वो पहले ही पूछताछ किस तरह से होगी, क्या कुछ होगा, जानकारी उन्हें मिल रही थी, ऐसा उनका कहना था। दिल्ली राज्यसभा सांसद इस वक्त की बड़ी खबर, संजय सिंह के घर ईडी की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। इससे पहले शुरुआती दौर में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और उसके बाद शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई, और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई की जांच के दायरे में। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, तीसरे के बाद ये चौथा बड़ा आम आदमी पार्टी का नेता ईडी की कार्रवाई के दायरे में। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्र जांच एजेंसी के द्वारा आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसके जुड़े हुए कई अन्य लोकेशन पर भी आज ईडी की टीम सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे के लगभग में सर्च ऑपरेशन करने के लिए पहुंची थी। और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो ये मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति फर्जीवाड़ा से जुड़ा मामला है और इसी मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर संजय सिंह पहले से भी इन तमाम आरोपों को खारिज करते रहे हैं, लेकिन पहले भी जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में संजय सिंह को पूछताछ का नोटिस भेजा गया था और उनको एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। और जिस तरह से कई आरोपियों के साथ में उनसे कनेक्शन होने की बात ईडी के सूत्र जो है वो बताते थे, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि आज जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है अपने आप में ये बड़ा मामला है और देखना लाजमी होगा कि ये मामला जो है अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में किस तरह से ये चर्चाएं शुरू होंगी। और कहा जा सकता है कि जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और संजय सिंह के आवास पर जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में संजय सिंह की भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल शंकर, अभी मैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं। ललित, मैं आपसे अभी जो जिक्र कर रहा था, ये बहुत जब कार्रवाई शुरू हुई थी आबकारी विभाग पर या आबकारी नीति को लेकर, उसके बाद से ये जो बार बार जिक्र हो रहा था, सांसद संजय सिंह ये कह रहे थे कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए, तो कुछ तो तथ्य मिले होंगे, कुछ तो डिटेल्स, कुछ तो इनपुट्स मिल रहे होंगे शंकर, कि किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है या फिर अभी इसे छिपाकर चल रही है टीम। शंकर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, देखिए जिस तरह से संजय सिंह के आवास पे सर्च ऑपरेशन की बात करें तो संजय सिंह से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सबूतों को पहले से इकट्ठा किया गया, तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया, क्योंकि देखिए राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के काफी चर्चित नेता हैं और अगर इनके आवास पर अगर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टीम पहुंची है तो वो टीम ऐसे नहीं पहुंची होगी। निश्चित तौर पर काफी सबूतों को इकट्ठा किया होगा और जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो ईडी किसी भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले काफी सबूतों को इकट्ठा करती है, काफी रिसर्च करती है, उसके बाद ही कोई सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो संजय सिंह को लेकर पहले ही काफी चर्चाएं हो चुकी थी, संजय सिंह को लेकर पहले ही काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से जांच एजेंसी की टीम सर्च ऑपरेशन करने के लिए पहुंची है तो अपने आप में ये बड़ा मसला है और एक कहा जा सकता है कि इस मामले पर कुछ और भी खुलासे जांच एजेंसी के द्वारा जल्द ही औपचारिक तौर पर किए जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इतना तो स्पष्ट है कि संजय सिंह की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। बिल्कुल शंकर, बने रहिएगा हमारे साथ। जो तस्वीरें शंकर ने पहुंचाई है वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकारी आवास, सांसद के सरकारी आवास पर दबिश दी गई है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, लगातार बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नेता, आरोप लगाने को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नेता। लेकिन शंकर ने जो बात कही है, मार्के की बात वो है, आशीष भी इसी मार्के की बात का जिक्र कर रहे थे। ईडी अगर पहुंची है, वो भी सांसद संजय सिंह के घर पहुंची है, तो ये तय मानकर चलिए कि तथ्यों की पड़ताल की गई होगी, पड़ताल के बाद सबूतों को इकट्ठा किया गया होगा और इसके बाद ये दबिश दी गई होगी। संजय सिंह के करीबियों पर भी छापे की कार्रवाई और ये टीम पहुंची हुई है दिल्ली से। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, धमतरी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। धमतरी के एक शख्स प्रकाश आडवाणी की कवों से अनोखी दोस्ती है, ये दोस्ताना
अब से 20 साल पुराना बताया जा रहा है। दरअसल प्रकाश के घर की छत पर हर रोज ललित सैकड़ों कौए आकर बैठते हैं, उनके हाथों से दाना चुगते हैं। पितृपक्ष में तो परदेसी काले कौए हर साल आते हैं। गजब की दोस्ती को देखकर लोग हैरान भी रह जाते हैं। कपड़े का व्यवसाय करने वाले एक आम से आदमी के एक पक्षियों के साथ इस तरह की जो दोस्ती है वो सभी को हैरत में डाल देती है। और अपने हाथों में वो दाना रखते हैं, कौए उनके पास आकर उन दानों को चुगते भी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जनमन गण की बात, वोटर्स के मन की तहकीकात। बोलिए बोलिए, मत रहिए मौन। चुनाव की खास पेशकश इंजन की सिटी में, वोटर बोले सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।